आप यहाँ हैं? अर्थात देवी सरस्वती भी आपके साथ ही रहती है? गजासुर, ब्रह्मदेव, जागे ब्रह्मदेव, आपका वरदानी गजासुर यहाँ आ पहुंचा है। गजासुर, तुम यहाँ? चले जाओ यहाँ से। ब्रह्मदेव, आपकी दी हुई वरदानी शक्तियों का उपयोग मैं यही करूंगा। मेरे पिता का वध करने वाली दुर्गा इन्हीं सरस्वती की ज्योति से प्रकट हुई थी। ब्रह्मदेव, इस दुष्ट को यही समाप्त कर दे। हम इसे समाप्त नहीं कर सकते देवी। अपने दिए हुए वरदान के कारण हम विवश हैं। तो फिर मैं देवी दुर्गा की ज्योति शक्ति केंद्रित करके मैं ही इसे समाप्त कर दूंगा। मैं अपने पिता की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए तुम्हें अभी यही समाप्त कर दूंगा। बनी थी। तुम देवी लक्ष्मी से प्रतिशोध लोगे? तुम? नारायण नारायण, देवी लक्ष्मी तो माता सरस्वती से भी अधिक उग्र हैं। वे उग्र हैं तो मैं वरदानी हूँ, मैं महाबलशाली हूँ। पहले ये बताओ, देवी लक्ष्मी मुझे कहाँ मिलेगी? नारायण नारायण, माता लक्ष्मी जहाँ निवास करती है वहां तो मुझ जैसा कोई बिरला ही पहुंच सकता है। पता नहीं तुम ब्रह्मलोक कैसे पहुंच गए। नारायण नारायण, जिन ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया, क्या उन ब्रह्मा के पास मैं नहीं पहुंच पाता? वे मेरे पास पहुंच सकते हैं तो क्या मैं उनके पास नहीं पहुंच सकता? धन्य है परमपिता ब्रह्मा जी, आप और आपकी ये लीला धन्य है। अब जहाँ कहीं भी होगी लक्ष्मी, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, मैं उसे अपना प्रतिशोध लूंगा। अवश्य लेना। नारायण नारायण, ये माता लक्ष्मी, ये गजासुर आपसे प्रतिशोध लेने की इच्छा प्रकट कर रहा है, कृपया आप इसे दर्शन दे ही दे। Thank you.
प्रणाम माता लक्ष्मी। अच्छा तो यही है देवी लक्ष्मी। माता लक्ष्मी, इस वरदानी गजासुर के हृदय में आपके प्रति जो प्रतिशोध की भावना और ज्वाला भड़क रही है, कृपया आप इसे शांत कर दें। माता शांत कर दें। नारायण नारायण। माता आपने अपने इस कमलास्त्र से इस टुकड़े तो कर दिए, पर तुम ये पहले से सब फिर हो गया। ये ब्रह्मा जी के वरदान का परिणाम है नारद। पता नहीं ब्रह्मा जी ऐसे दुष्टों को वरदान क्यों देते हैं। धन्य है माता, धन्य है। नारायण नारायण। कहीं ये दुष्ट माता पार्वती से प्रताड़ित होने के लिए कैलाश तो नहीं जाएगा। शक्ति स्वरूपिणी पार्वती इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। पागंबर पहने व्यक्ति को देखकर मेरी मन में भक्ति भाव क्यों उत्पन्न हो रहा है। अच्छा तो यही है शिव, किंतु मेरी पित्र दुर्गा को प्रकट करने वाली पार्वती कहाँ है। साक्षात शक्ति स्वरूपा देवी भारत। तुम कब से हमारी समाधि भंग होने की प्रतीक्षा में यहाँ खड़ी हो? ये प्रतीक्षा तो बहुत छोटी है स्वामी। आपकी समीपता और आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए मैंने वर्षों इसी तरह खड़े रहकर आपकी तपस्या की है। देवी पार्वती, तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। शक्ति के बिना शिव की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऐसा कहकर आपने अपने चरणों की दासी का मान बढ़ाया है स्वामी, अन्यथा शिव बिना शक्ति का क्या मूल्य। सत्य तो ये है स्वामी कि शक्ति को शक्ति का ज्ञान शिव के सानिध्य के पश्चात ही प्राप्त हुआ है। इसका अर्थ ये है देवी, शिव के बिना शिवा और शिवा के बिना शिव अपूर्ण है, और यही नियम
सभी के लिए समान है। स्वामी, आज अचानक ऐसा प्रसंग क्यों? देवी, आप सावधान तो हैं। जिसे सौभाग्य से आपका सानिध्य प्राप्त हो, उसे किसी से कैसा भय? देवी, हमारे सानिध्य के पश्चात भी आपको महिषासुर से युद्ध करना पड़ा था। हाँ स्वामी, किंतु आपकी कृपा और आशीर्वाद से महिषासुर तो कब का यमलोक पहुँच गया है। किंतु उसका वंश तो यमलोक नहीं पहुँचा देवी, उसका पुत्र गजासुर अब भी जीवित है। जैसे देव शत्रु दानवों से देवी देवताओं का सतर्क रहना पड़ता है, आप तो शक्ति स्वरूपा हैं। महिषासुर के समान यमलोक भेज देता यदि ब्रह्मदेव का दिया हुआ वरदान तेरे साथ न होता। चल, चला जा शुक्राचार्य के आश्रम। तुम धन्य हो गणेश। प्रणाम माता। पुत्र, तुम अचानक यहाँ कैसे आ गए? जैसे ही पिता शिवशंकर ने आपसे सावधान रहने के लिए कहा, मैं सावधान हो गया। अरे गणेश के रहते हुए कोई उसकी माता पर प्रहार भी कैसे कर सकता है? तुम धन्य हो गणेश, पुत्र हो तो तुम जैसा। माता, मेरा अनिवार्य कार्य पूर्ण हुआ, अब मुझे आज्ञा दे। अब तो संकट के समय भी तुम्हें पुकारने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी गणेश। जब भी तुम्हारी आवश्यकता होगी तुम स्वयं पहुंच जाओगे। आपकी कृपा तथा आशीर्वाद से ऐसा ही होगा माता। प्रणाम।